तो नमस्कार, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा नाम है डॉक्टर मीनाक्षी राठी और हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं अपने एंटमोलॉजी के एमसीक्यूज़। सो फार हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लिए हैं और आगे भी करेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है बूस्टअप हो सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पुराने हैं तो आपका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, और अभी तक अगर अड्डा की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो अड्डा की ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी कुछ फ्री कंटेंट आपको मिलता है, क्विज प्रैक्टिस करने को मिलती हैं, सारी वीडियोस आपको लाइंड अप मिलती हैं। तो अगर अभी तक अड्डा की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो अड्डा की ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, मूविंग टू आवर क्वेश्चनेयर, अपने क्वेश्चन सेशन पर आते हैं और देखते हैं कि हमारे बच्चों कितना एंटमोलॉजी पढ़कर आए हैं। वेलकम आरती, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फ्लडिंग ऑफ द फील्ड्स विल हेल्प इन कंट्रोल। अगर हम फील्ड की फ्लडिंग कर देते हैं, यानी कि फील्ड को पानी से भर देते हैं, तो वो किसके कंट्रोल के लिए हम ऐसा मेथड, कल्चरल मेथड यूज़ करते हैं? वाइट क्रब्स, टर्माइट्स, कटवॉर्म्स और ऑल ऑफ द अबव। जब तक मैंने क्वेश्चन रीड किया, अंकित ने फटाफट जवाब भी दे दिया है। वन का आंसर बी। ओके, और कोई? रचना से इज बी। फ्लडिंग जब आप करते हैं तो बच्चे आपकी जो है, आरती ने सही आंसर दिया है और सभी ऑप्शंस जो हैं इसमें करेक्ट हैं। सभी के लिए आप फ्लडिंग यूज़ कर सकते हैं। उनके कंट्रोल के लिए आपके वाइट क्रब्स, टर्माइट और कटवॉर्म्स तीनों के ही जो इनोक्युलम होता है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है। और अगर आप फ्लडिंग कर देते हैं तो फ्लडिंग से क्या होता है, रेस्पिरेशन उनका हैम्पर हो जाता है और वो जीवित नहीं रह पाते हैं। तो उनका इनोकुलम जो है कम हो जाता है, वो कम हमारे प्लांट्स पर, जब हम इसके बाद सोइंग करेंगे तो हमारे प्लांट्स पर कम इफेक्ट करते हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट डीपा, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट वाज पास्ड ऑन, ये कब पास ऑन हुआ था? हेलो आरती, 1914, 1920, 1937 या फिर 1968? डीपा वॉज पास्ड इन विच ईयर, 1914, 1920, 1937 या फिर 1968? आपका डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट क्या कहता है कि दूसरे कंट्रीज से या फिर दूसरे स्टेट से, आपस से स्टेट में कहीं से कोई डिस्ट्रक्टिव पेस्ट इंट्रोड्यूस ना हो जाए जो आपकी क्रॉप को बिल्कुल ख़त्म ना कर दे, इसलिए ये एक्ट लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत जो है इन सभी को, जो भी प्लांट मटेरियल आप लेकर आते हैं, सीड मटेरियल लेकर आते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है ताकि दूसरी कंट्रीज़ के पेस्ट या दूसरे स्टेट के पेस्ट दूसरी जगह ट्रैवल ना करें। तो सभी जो है इसका आंसर कुछ लोग कर रहे हैं बी, कुछ लोग कर रहे हैं 1914 विच इज़ ए, और मेरा बॉयफ्रेंड आंसर कर रहा है 1968। वेरी इंटरेस्टिंग नाम है जी, नाम रखो तो ऐसा। हाँ, बोलते हुए भी सब लोग सोचेंगे बोलूं कि नहीं बोलूं। चलिए, तो इसका आंसर है आपका 1914 में ये एक्ट पास ऑन हुआ था, जिसके अंतर्गत जितने भी डिस्ट्रक्टिव पेस्ट्स हैं या इंसेक्ट्स हैं उनकी जो है आवागमन को रोकने के लिए ये किया गया है, ताकि वो दूसरी जगह स्प्रेड ना हो। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946 विद हेडक्वार्टर्स एट, आपका जो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? चलिए, वेयर इज योर डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज? पवित्रा सेज सी, आरती सेज बी, आरती सेज सी। ओके, वी हैव टू आरतीज, कुमारी एंड तोमर।
ओके, फरीदाबाद इज द राइट आंसर. आई फरीदाबाद इज द राइट आंसर विच इज सी. तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सी आंसर किया है. वेरी नाइस, सभी लोगों को आंसर यहाँ पर पता है. डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज जो है फरीदाबाद में है. देन स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक वॉज फर्स्ट टाइम प्रपोज इन द ईयर 1937 बाई विच साइंटिस्ट. निपलिंग, एच एस प्रूथी, लेफ्रॉय या फ्रिश, इनमें से किस साइंटिस्ट ने स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक दी थी. तो स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक वो क्या करते थे, वो इंसेक्ट्स को पकड़ते थे लैब में, जो है उनको स्टेराइल कर दिया जाता था, यानी कि इंसेक्ट्स को स्टेराइल कर दिया जाता था और फिर डेलिब्रेटली उस एरिया में रिलीज कर दिया जाता है जहाँ पर उस इंसेक्ट की ज़्यादा इन्फेस्टेशन है उस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में. ऐसा उन्हीं इंसेक्ट्स के लिए करना पॉसिबल था. तो इनको स्टेराइल करके अगर हम दोबारा एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं तो इससे हमें ये मारने भी नहीं पड़ते, ये इको फ्रेंडली अप्रोच हो जाती है. और क्योंकि आप स्टेराइल इंसेक्ट्स को एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं तो वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तो हमारी क्रॉप को नुकसान भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है. काफ़ी लोग आंसर कर रहे हैं. ए आरती कुमारी ने आंसर किया है सी, और नैन्सी ने आंसर किया है बी. तो बच्चा ए जो है इसका सही आंसर है. निपलिंग ने जो है ये टेक्निक दी थी, स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक, इन 1937. सो ए इज द राइट आंसर. बायो कंट्रोल एजेंट फॉर लैंटाना वीड, लैंटाना वीड का बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा होगा. ओफियोमिया लैंटेनिया, नियोचिंटे इकोनिया, क्रिस्टोबैगस सिंगुलरिस या फिर जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा. आपकी जो लैंटेना है ये एक्चुअली स्टार्टिंग में एज अ वीड इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, ये इसमें काफ़ी कलरफुल फ्लावर्स आते थे तो ये एज एस्थेटिक वैल्यू के लिए कोई इसको लेकर आया था कि अपने घर में उगाऊंगा, बड़े कलरफुल कलरफुल फ्लावर्स उगेंगे, बड़ा ही सुंदर लगेगा. पर हुआ ऐसा कि ये जो है टर्नड आउट इनटू अ वीड, क्योंकि ये काफ़ी स्पीड से फैलता है, इसकी जर्मिनेशन भी काफ़ी फास्ट होती है और इसकी प्रोपगेशन भी काफ़ी फास्ट होती है, तो ये दूसरे जो आपकी क्रॉप्स होती हैं उनके साथ कंपटीशन करने लगता है. तो लैंटेना वीड में टर्न हो गया था. तो सभी लोग आंसर कर रहे हैं डी, जाइगोग्रामा बायोकॉलरेटा, विच इज नॉट द राइट आंसर. ए जो है आपका राइट आंसर है. ओफियोमिया लैंटेना जो है इसका सही आंसर है. ए इज़ द राइट आंसर. तो ये जो है हमारे ऑलमोस्ट सभी बच्चों का आंसर गलत आ रहा है. डी इज नॉट द आंसर, ए इज द आंसर. चलिए, बैसिलस थुरिंजिनेसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय, बैसिलस थुरिंजिनेसिस किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. एस इशिवाता, बर्लिनर फ्लेकर या फिर फ्रिश, इनमें से किस साइंटिस्ट ने आपका बैसिलस थुरिंजिनेसिस को डिस्कवर किया था. विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड बैसिलस थुरिंजिनेसिस. प्रवीणा सेज ए, अंकित सेज ए, पवन बी, आरती ए, पवित्रा ए. ए जो है आपका सही जवाब है. एस इशिवाता ने जो है इसको पहली बार डिस्कवर किया था, बैसिलस थुरिंजिनेसिस को, जिससे हम बीटी 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 करते रहते हैं. तो बीटी इज द राइट, जिसमें क्राइजीन प्रेजेंट होता है और काफ़ी क्रॉप्स में अभी आपकी क्राइजीन जो है इंट्रोड्यूस की गई है. इंडिया में सिर्फ कॉटन में आपको देखने को मिलती है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ब्रिंजल, भिंडी, कैबेज, काफ़ी कुछ बीटी बन चुका है. चलिए, विच इंसेक्ट हैज़ इवोल्व रेजिस्टेंट टू बी टी इन ओपन फील्ड पॉपुलेशन. पिंक बॉल वॉर्म, डायमंड बैक मोथ, स्पोटेड बॉल वॉर्म या फिर नन ऑफ द अबव. कौन सा इंसेक्ट इनमें से ऐसा है जो बी टी के खिलाफ, जिसमें रेजिस्टेंस आ गई है, यानी कि प्लांट में बी टी जीन प्रेजेंट है, एक्सप्रेस हो रहा है, फिर भी ये जो है प्लांट पर अच्छे से फीड कर पाता है, इसे कोई खास दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये उसके खिलाफ जो है रेजिस्टेंट हो चुका है. सो विच ऑफ दीज इंसेक्ट इज दैट. पिंक बॉलवॉर्म, डायमंड बैक मोथ, स्पॉटेड बॉलवॉर्म. रचना सेज ए, ऐश्वर्या सेज ए, अनिल सेज ए, पवित्रा सेज बी. ओके, परवीना सेज ए,
चलिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि ये क्वेश्चन तो बुक से है, बुक पिछले साल लिखी गई है ना, मतलब बुक हर साल इवन रिवाइज भी नहीं की जाती, सालों साल भी सेम चलती है। तो अकॉर्डिंग टू बुक जो है आपका आंसर है डायमंड बैक मोथ। डायमंड बैक मोथ जो है बीटी के खिलाफ, इसमें रेजिस्टेंट काफ़ी सालों पहले ही आ चुकी है, लेकिन रिसेंटली पिंक बॉल वर्म में भी रेजिस्टेंस देखी जा रही है। तो पिंक बॉल वर्म भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि रिसेंटली देखा जाता है फील्ड में जो बीटी कॉटन है उस पर भी पिंक बॉल वर्म का अटैक हो रहा है पिछले 2-3 सालों से। तो जो है इसमें पिंक बॉल वर्म भी रेजिस्टेंस शो करने लगा है बीटी कॉटन के खिलाफ। अक्सर ऐसा ही होता है एक्चुअली, अगर आप किसी को भी उस लेवल तक ले आते हैं कि अब मरो या जियो वाली स्थिति होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें हिम्मत जुट जाती है उस सिचुएशन से लड़ने की। तो वही काम हम कर रहे हैं इन इंसेक्ट्स के साथ। जब हम बीटी कॉटन लगा रहे हैं, ऑलमोस्ट आपका 98% 99% जो एरिया है वो बीटी कॉटन के अंडर है, यानी कि इन इंसेक्ट को बेसिकली खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। तो लास्टली इनके पास ऑप्शन क्या है, या तो ये ख़त्म ही हो जाएंगे इस धरती से, मर जाएंगे सारे, या फिर इन्हें रेजिस्टेंस लेके आनी पड़ी होगी पड़ती है, इवॉल्व होना पड़ता है ताकि ये अपनी स्पीशी को सर्वाइव कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में अक्सर जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है कुछ समय के बाद, जहाँ पर हम इंसेक्ट्स को ज़्यादा दवाइयों से या किसी भी चीज़ से सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसे ज़्यादा भूखा मरने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए, यानी कि कुछ इंसेक्ट्स को खाने दीजिए और कुछ उन्हें इतना बढ़ने भी मत दीजिए कि हमारा लॉस हो जाए। तो दोनों का जो है साइड बाय साइड चलना चाहिए। चलिए, इन कॉटन पिंक बॉल वॉर्म डिस्कवर्ड बाय बीटी वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्नस्ट बर्लिनर। नहीं बच्चा, हमने अभी तो डिस्कस किया है, इशिवाता ने जो है बीटी को डिस्कवर किया है। बीटी जो बैक्टीरिया है आपका बैसिलस थ्रेंजेनेसिस, वो इशिवाता ने डिस्कवर किया है। चलिए आगे चलते हैं। कॉमर्शियली ग्रैन्यूलोसिस वायरस GV यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा के कंट्रोल के लिए इसको यूज़ किया जाता है, राइस डार्फ के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर राइस ग्रासिस्टेंट वायरस के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर राइस येलो ऑरेंज लीफ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। किसके कंट्रोल के लिए ग्रैनुलर वायरस यूज़ किया जाता है? यहाँ पर अतुल सेज ए हेलिकोवर्पा, आरती ए, कीर्ति मिश्रा ए। बड़े ही स्लो आंसर आ रहे हैं, क्या बात है भाई। चलिए, नैन्सी सेज डी। आपका आंसर यहाँ पर क्या है? कमर्शियल ग्रैन्यूलर GV जो है आपका, ऑप्शंस आई थिंक इसमें उल्टे पुल्टे हो रखे हैं। इस क्वेश्चन को कैंसिल करते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शन जो है करेक्टली नहीं टाइप किए गए हैं। इसका आंसर है काइलोस इन्फस इन्फस्केटेलेस। ये इसका आंसर है, राइट? इट्स
इट्स अ टाइपिंग एरर फर्स्ट ऑप्शन तो है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन से उठाकर दे दिए हैं. इसका आंसर है काइलोस इन्फोस्टिलिस. करेंगे बच्चा इसको हम थ्योरी क्लास में करेंगे, क्योंकि अदरवाइज जो है हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट नहीं होते हैं. और हाँ, पिछला क्वेश्चन भी आप पूछ रहे थे यहाँ पर. बीटी जो है आपकी, याद आ गया मुझे, बीटी जो है आपकी डिस्कवर जो है इशिवाता ने ही की थी. इट वॉज फर्स्ट जो है उन्होंने ही उसको ऑब्जर्व किया था. और जो आपके बर्लिनर हैं उन्होंने इसको पहली बार आइसोलेट किया था बीटी को और रीडिस्कवर किया था. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कवर एंड रीडिस्कवर. यानी कि मे बी उन्होंने पूरी स्पेसिफिकेशन उसकी नहीं दी थी या पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी. तो बर्लिनर ने जो है उनको उसको पहली बार आइसोलेट किया है पूरा बैक्टीरिया को और उसको रीडिस्कवर किया है. तो अगर आपसे डिस्कवरी पूछी जाए तो उसमें इशिवाता ही जो है आपका आंसर आएगा. सबके सब तुक्का मार रहे थे, सही बात है. आंसर सही नहीं है लेकिन सब तुक्का मार रहे हैं, ए बी सी डी, दैट्स ट्रू. चलिए देखिए, नैन्सी सही है. नैन्सी फटाफट से अपना क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर गई है. चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. इनमें से जो है करेक्टली मैच कौन सा है? सिसेमम फाइलोडी जो है वो लीफ हॉपर में होती है, लीफ हॉपर से होती है यानी कि उसका वेक्टर है. पिजन पी स्टेरिलिटी जो वायरस है वो थ्रिप से होता है. और वीट स्ट्रीक मोजेक वायरस है वो एरियोफाइड माइट से होता है. या फिर भिंडी वायरस मोजेक जो है आपका वाइट फ्लाई से होता है. इनमें कौन सा जो है कैसे होगा इफको में, ऐसे ही हो जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए. इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? भैया हमारे जो टाइपिस्ट साहब हैं वो काफी गलतियां करते हैं टाइपिंग में. इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है? पिजन पी स्टेरिलिटी मोजेक जो है थ्रिप्स से नहीं होता है. बी इज द राइट आंसर. बी करेक्टली मैच्ड नहीं है. बाकी आपके ये तीनों जो है करेक्टली मैच्ड हैं, तो इनके वेक्टर्स आपको याद नहीं है तो यहाँ से याद कर लीजिए. सिसेमम का वेक्टर है आपका लीफ होपर, वीट स्ट्रीक मोजेक का है एरियोफाइड माइट, और भिंडी मोजेक वायरस का है आपका वाइट फ्लाई. ठीक है, तो ये जो है बी जो है इसका आंसर है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? बनाना बंची टॉप बनाना एफिड से होता है, कॉटन लीफ कर्ल वाइट फ्लाई से होता है, केट डिजीज ऑफ कार्डिमम एफिड कार्डिमोम से होती है, या ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस आपका मोथ से होता है. इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है? विच वन ऑफ दीज ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. ऑप्शंस के साथ अपना क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, राइट 10A, 10B, 10C लाइक दैट. अंकित सेज डी इज नॉट करेक्ट, पवित्रा सेज डी. अर्चना डी. चलिए डी इज द राइट आंसर. ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस जो है आपका मौत से नहीं होता है. ये किससे होता है? ये किससे होता है? फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताइए. अंशरुल हक. नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं भाई, मॉडर्न मॉडर्न नेम्स आने लग गए हैं. ये आपका थ्रिप्स से होता है. ठीक है, तो ये जो है करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सब करेक्टली मैच है, याद नहीं है तो यहां से याद कर लीजिए. वेक्टर्स के काफी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच. इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सिट्रस ग्रीनिंग साइलेंट से होता है, सिट्रस ट्रेस्टेजा वायरस सिट्रस एफिड से होता है, पाइनएप्पल रूट विल्ट मिलीबग से होता है, या ग्राउंडनट रोजेट जो है बटरफ्लाई से होता है. Which one of these is not correct?
सिट्रस ग्रेनिंग साइलेट से होता है, सिट्रस ट्रिस्टेजा सिट्रस एफिड से होता है, पाइनएप्पल रूट विल्ट मिलीबग से होता है, लेकिन ग्राउंडनट रोसेट जो है आपका बटरफ्लाई से नहीं होता है, ये आपका एफिड से होता है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर नहीं है, बाकी सब करेक्ट आंसर्स हैं। पवित्रा हैज़ गिवन द राइट आंसर, साथ में उन्होंने बताया भी है कि एफिड से होता है। ओके, तो ये जो है आपका सही आंसर है। चलिए, डैश इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर पेस्ट स्पीशीज इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ पेस्ट अटैकिंग अ क्रॉप। डैश इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर पेस्ट स्पीशी इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ पेस्ट अटैकिंग अ क्रॉप। स्पोरेडिक पेस्ट, रेगुलर पेस्ट, की पेस्ट, एंडेमिक पेस्ट। तो इसका आंसर जो है मेजर पेस्ट आएगा, तो मेजर पेस्ट जो है की पेस्ट होता है। की पेस्ट विल बी द राइट आंसर। की पेस्ट जो है आपका सही आंसर होगा इसमें। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्टोरेज ग्रेन्स कैन बी मिक्स्ड विद। आप अगर ग्रेन्स को स्टोर करना चाहते हैं तो किन इसमें से किस केमिकल्स के साथ मिक्स करके रखेंगे? क्लोरोपायरीफोस के साथ मिक्स करके रखेंगे, डाइक्लोरोवोस के साथ मिक्स करके रखेंगे, मैलाथियोन WP के साथ यानी कि वेटेबल पाउडर के साथ मिक्स करके रखेंगे, या डेल्टा मैथ्रिन के साथ इसको मिक्स करके रखेंगे? आपके जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं आप इनमें से किस केमिकल के साथ मिक्स करके रखेंगे ताकि उसमें स्टोरेज पेस्ट या इंसेक्ट्स जो हैं अटैक ना करें? 13A, गिरीश सेज गिरीश, काफ़ी लेट आए हैं आज क्लास में। गिरीश सेज सी, मैलाथियोन वेटेबल्स पाउडर। देन पवित्र सेज ए, अंसारुल सेज ए। सो आपका यहाँ पर आंसर है मैलाथियोन WP, मैलाथियोन वेटेबल सल्फर जो है आपका राइट आंसर है। मैलाथियोन अक्सर हम स्प्रे करते हैं स्टोरेज पेस्ट के लिए। मेटाराइजियम एनिसोफाइली टारगेटेड अगेंस्ट शुगर केन पायरिला के अगेंस्ट जो है ये होता है, एंड राइनोसेरस बिटल, दोनों के ही अगेंस्ट इसको यूज किया जाता है कमर्शियली, ये किस ट्रेड नेम के साथ आपको मार्केट में मिलता है? टू विच ट्रेड नेम दिस बायोकंट्रोल एजेंट आपको मार्केट में मिलता है जो शुगर केन पायरिला और राइनोसेरस बिटल दोनों के ही अगेंस्ट यूज किया जाता है? बोवेरिन, माइकार, बायोमैक्स, वर्टिलेक, विच वन ऑफ दीज ट्रेड नेम इज अंडर योर बायो कंट्रोल मेटाराइजियम एनिसोफाइली? श्याम लाल सेज बी, पवित्रा सेज सी, आरती सेज सी। सो सी इज द राइट आंसर, बायोमैक्स जो है आपका सही आंसर है। ये बायोमैक्स के नाम से आपको मार्केट में मिलता है, तो ये अंडर द ट्रेड नेम बायोमैक्स से मिलता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेपेलेंट इज यूज्ड अगेंस्ट टर्माइट। टर्माइट के खिलाफ कौन सा एज अ रेपेलेंट यूज किया जाता है? ऑयल ऑफ सिट्रोनेला, डीट, पेंटाक्लोरोफिनॉल या फिर बॉर्डिएक्स मिक्सचर। रेपेलेंट का मतलब है कि उससे जो आपके टर्माइट्स हैं वो अटैक नहीं करेंगी, भाग जाएंगी, बट मरती नहीं है, मारने के लिए नहीं है, सिर्फ रेपेलेंट है। ओके, ऑयल ऑफ सिट्रोनिला, डीट और पेंटाक्लोरोफिनॉल या फिर बॉर्डिएक्स मिक्सचर, विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड एज रेपेलेंट अगेंस्ट टर्माइट? ओके, गिरीश सेज सी, MD इमरान सेज डी, आरती सेज डी, श्यामलाल सेज सी, अंकित सेज ए। सो आपका सी जो है सही आंसर है, पेंटाक्लोरोफिनॉल को यूज किया जाता है टर्माइट रिपेलेंट की तरह। तो टर्माइट रिपेलेंट इज यूज्ड एज पेंटाक्लोरोफिनॉल। ओके, डैश आर सब्सटेंस विच मेक द प्लांट डिस्टेस्टफुल टू द इंसेक्ट फीडिंग ऑन इट। कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं आपके प्लांट में जो प्लांट को डिस्टेस्टफुल बना देते हैं ताकि इंसेक्ट्स उन पर फीड ना करें, उन्हें क्या कहते हैं? अट्रैक्टेंट, रिपेलेंट, कीमोस्टेरिलेंट या फिर एंटीफीडेंट। इनमें से उन केमिकल को हम क्या कहेंगे
जिनके रिलीज होने से आपका प्लांट जो है पैलेटेबल नहीं रहता, टेस्टी नहीं रहता और उस पर इंसेक्ट कम फीड करते हैं, उसको कम प्रीफर करते हैं। तो 16D हैज गिवन बाय अंकित मल्होत्रा RTC। सो यस, डी जो है आपका सही आंसर है, एंटी फीडेंट जो है आपका करेक्ट आंसर है। डैश एक्ट एज द प्रीकर्सर ऑफ एक्डाइसिन सिंथेसिस। एक्डाइसिन हार्मोन आपका होता है, उसके सिंथेसिस के लिए एक प्रीकर्सर इसको चाहिए होता है। उसका प्रीकर्सर कौन सा होता है? अरैकिडिक एसिड, कोलेस्ट्रोल, मेथियोन या फिर एर्गोस्टिरोल। विच वन ऑफ दीज इज यूज एज योर प्रीकर्सर टू एक्डाइसिन हार्मोन? एक्डाइसिन हार्मोन का प्रीकर्सर कौन सा यूज होता है? चलिए, यहाँ पर आंसर क्या है? यहाँ पर आंसर है बी, कोलेस्ट्रॉल। और ये मिस्टर मेरा बॉयफ्रेंड तो आज मुझे पिटवाने वाले हैं घर जाकर, है ना? मेरे हस्बैंड पूछने वाले हैं, यूँ बताओ वीडियो में मेरा बॉयफ्रेंड चिल्ला रही थी कौन है है ना? तो मेरी पिटाई होने वाली है पक्का से, नाम बदल लो बच्चे अपना कोलेस्ट्रॉल जो है इसका सही आंसर है, कोलेस्ट्रॉल इसका एज अ प्रीकर्सर एक्ट करता है। चलिए, तो आज की जो हमारी क्विज है वो ख़त्म हो गई है। कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और नई क्विज करेंगे। तब तक अपना टोटल स्कोर मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, आप सभी का टोटल स्कोर क्या हुआ है आउट ऑफ 17। ओके, इफ्को का बैच आप सभी को पता ही है, स्टार्ट कल से हो रहा है। 12 अप्रैल से आपका इफ्को का बैच शुरू हो रहा है। तो अभी तक एनरोल नहीं किया है तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए। Adda247 की वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोड यूज़ किएगा Y448 कोड यूज़ करने पर इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 9000 है और आपको जो है ये ऑलमोस्ट कोड यूज़ करने के पास बाद 2300 का पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कोड यूज़ करने का Y448। और एग्रीकल्चर महापैक के बारे में तो मैं आपको रोज़ बताती ही हूँ, इसमें सारे ही जो आपके पैकेजेस हैं उन सभी का समापन है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे ही वीडियोस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज सभी इसमें इंक्लूडेड होता है। इसका प्राइस आई थिंक 24,000 के आसपास का है, लेकिन इसमें भी अगर आप कोड लगाते हैं Y448 तो ये आपको लगभग जो है 9000 का पड़ने वाला है, जिसकी वैलिडिटी अभी भी जो है आज और एक्सटेंड कर दी है अड्डा ने आपके लिए, क्योंकि कल संडे था तो इसकी वैलिडिटी जो है एक्सटेंड हो चुकी है, 12+12 मंथ्स की हो गई है। सारे थैंक्स लिखकर मत भागिए, फटाफट से अपना टोटल स्कोर मैम को बताइए। चलिए, ओके, फटाफट से टोटल स्कोर बताइए, हमारी क्लास का विनर कौन है हमें पता चले। ओके आरती, कल जो है हम ग्रैनुलोसिस से ही अपनी क्लास शुरू करेंगे। पहले मैं आपको ग्रैनुलोसिस वायरस समझाऊंगी, उसके बाद ही हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि अभी जो है आपके नेक्स्ट टीचर की क्लास आने वाली है तो हम ज़्यादा अपनी क्लास को एक्सटेंड कर नहीं पाएंगे। लेकिन कल मैं आपको क्विज स्टार्ट करने से पहले ग्रैनुलोसिस वायरस समझाऊंगी, उसके बाद ही जो है हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। नेमराज सुंडा बुक में पढ़ाई किया था, अच्छा, तो सारे खुद ही जो है अपनी बना रहे हैं राम कहानियाँ। लेकिन आज स्कोर कोई नहीं बता रहा, सबके आज मुझे लग रहा है कम मार्क्स आए हैं, राइट? चलिए कोई बात नहीं, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा और पढ़िए, थोड़ी सी और मेहनत कीजिए। नेक्स्ट आपकी क्लास होने वाली है, गुड बाय एंड टेक केयर।